मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथियों को, देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हम सबसे पहले अपने दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के साथियों का, मुख्य साथियों का परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथी अनिल यादव जी हैं, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के नॉर्थ ईस्ट से लोकसभा प्रभारी हैं। हमारे साथी विजेंद्र सिंह जी, विजेंद्र सिंह पवार जी, ये ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रभारी हैं दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के। हमारे साथी सुरेश बलवीर सिंह जी नई दिल्ली लोकसभा से प्रभारी हैं। मैं खुद अशोक अज्ञानी, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का राष्ट्रीय संयोजक और नॉर्थ वेस्ट सुरक्षित सीट से लोकसभा प्रभारी। हमारे साथी मुकेश राजौरा जी, ये पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हैं, पूर्वी दिल्ली लोकसभा से प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के। हमारे साथी दौलत राम जी, ये दक्षिणी दिल्ली से प्रभारी हैं लोकसभा के। हमारे साथी अब्दुल रिजवान साहब, ये चांदनी चौक लोकसभा से प्रभारी भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। और हमारे साथी सुनील जी पूर्वी दिल्ली से हैं, पीछे हमारे साथी अजय नई दिल्ली से हैं, और साथी संजय कुमार, ये हमारे संजय चौहान साहब नई दिल्ली से हैं, और हमारे साथी दीपक जी दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे ट्रेड यूनियन के साथी हैं, और उनके साथ हमारे साथी अमित और अमित वॉल साहब हमारे बिल्कुल सीनियर और हमारे भाई हैं जो बिल्कुल स्तर करते हैं। दोस्तों आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक विशेष उद्देश्य से बुलाई है। एक तो हम दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के विषय में इसके गठन हमने किया कि एक राजनीतिक उद्देश्य से, क्योंकि जो तमाम आज की डेट में जो राजनीति चल रही है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं, उन तमाम लोगों ने जो जिस तरीके से इस देश में राजनीति की है, उस राजनीति से इस देश का कमजोर वर्ग, जो दलित तबका है, जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के जो कमजोर पक्ष हैं, ओबीसी के कमजोर पक्ष हैं, और अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, और इस देश के मेहनतकश जो मेहनत करके जो अपने परिवार, अपने आप को पालता है, परिवार को पालता है, देश को चलाता है, उनके ऊपर जिस तरह से हमले हुए हैं, और पूर्व की जितनी सरकारें रही हैं 72 सालों में, उनका रुझान चंद पूंजीपतियों से, चंद उच्च घरानों से है। तो हमने इसलिए दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन करना पड़ा कि इस देश के मेहनत का आवाम के लिए हम एक नई राजनीति, नई नीतियों के साथ लाएँ। और आज हमने एक नई परंपरा डाली है, जो बाबा साहब ने जो डेमोक्रेसी इस देश को दी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें चुनावी घोषणा पत्र का मुख्य रोल होना चाहिए, लेकिन उसको वैल्यू नहीं दी जाती है, और राजनीतिक पार्टियाँ एक दिन पहले, दो दिन पहले उसको घोषणा पत्र को रिलीज़ करते हैं। तो हमने परंपरा डाली और हम मांग भी कर रहे हैं दूसरी राजनीतिक पार्टियों से कि आप इसको पहले, कम से कम चुनाव से घोषित होते ही तुरंत इसको जनता को दें, जिससे कि आपके इस देश के लोग आपसे अपना सवाल जवाब करें कि भाई आप किस तरीके से ये जो आपने वादे किए हैं, इसको आप किस तरह से आप लागू करेंगे देश पे, किस तरीके से आप जो वादे कर रहे हैं इन पर काम करेंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले हमने चुनावी घोषणा पत्र अपना दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का मिशन दिल्ली फतेह 2019 हमने इसको रिलीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं साथियों से कहूँगा, सभी साथियों से, कि चुनाव घोषणा पत्र हमारा 2019 मिशन दिल्ली फतेह, ये हम आज देश को, मीडिया को, देश को हम समर्पित कर रहे हैं। और हम मांग कर रहे हैं सभी साथियों से, जितने हम पूरे कॉपियाँ, कम से कम लाखों की तादाद में कॉपियाँ हम लोगों को बांटेंगे, जो इस देश के बुद्धिजीवी हैं, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस देश के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, उन तमाम लोगों को हम ये कॉपियाँ देंगे, और उनसे हम डिबेट की मांग करेंगे कि भाई आप हमसे इस पर डिबेट करो कि जो ये घोषणा पत्र हमने आपके सामने रखा है कि दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस इस घोषणा पत्र के ऊपर अपने सरकार को चलाएगी, और उस पर इस तरह को कैसे लागू करेगी, किस तरह होना चाहिए, क्या क्या कानूनी संवैधानिक इसमें प्रावधान है, किस तरीके से हम देंगे। हमने इसमें चार चीज़ें कही हैं, शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत। तो ये शक्तिशाली देश बनाने के लिए चार पिलर के ऊपर दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस खड़ा है, और ये चारों में शिक्षित अगर देश होगा, स्वस्थ देश होगा, और सुरक्षा सबको होगी,
और आत्मनिर्भर, सबको रोजगार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, तो ये देश शक्तिशाली बनेगा, आगे बढ़ेगा। अगर आप चंद किसी एक धर्म विशेष या एक समुदाय विशेष के लिए काम करेंगे तो उससे देश ताकतवर होने वाला नहीं है। तो ये हमारा ये जो आज हमने ये घोषणा पत्र हमने जारी किया है, इस पर हम काम करेंगे। और दूसरा, हमारे सात सीटों पर हम दिल्ली में अपना संघर्ष कर रहे हैं कि हम आपको सातों सीटें दिल्ली की लड़ेंगे। हम आज घोषणा कर रहे हैं कि दिल्ली की सातों सीटों पर दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस अपनी दावेदारी करेगा, चुनाव में चुनौती देगा जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर दल हैं। और एक सीट हम बुलंदशहर की लड़ रहे हैं, वहाँ पर हमारे विनय जाटव जी हैं जो वहाँ पर प्रत्याशी और प्रभारी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और एक सीट हमारी आदिवासी सीट एसटी पालघर, जहाँ पर हमने बहुत काम किया है, वो वहाँ पर एक सीट वहाँ पर हमारी पालघर लड़ी जाएगी, राजू दादोड़ा जी उसके प्रभारी हैं। तो इस तरह हमने 9 सीट हमने टारगेट की है और हमारी कोशिश है कि चुनाव आते आते करीब करीब कम से कम 50 सीटों पर दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस देश में अपनी चुनाव लड़े। और जो आने वाली 2019 की जो सत्ता होगी, क्योंकि गठबंधन की सरकारें बननी है, तो उसमें दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस नीतियों के आधार पर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर वहाँ पर पहुँचे सत्ता में, जो बाबा साहब ने जो सपना लिया था कि सत्ता में पहुँचना है। और हमने एक और काम किया है कि दिल्ली के अंदर हम तमाम, और दिल्ली और देश के अंदर जितने बहुजन विकल्प हैं, बहुजन पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुजन ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुजन जो ट्रेड यूनियंस हैं, उन सबको हम मिला करके हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2019 में पूरे देश में चुनौती दें और एक बहुजन विकल्प, एक बहुजन राजनीतिक विकल्प लाएं। क्योंकि यहाँ पर इस देश में दो गठबंधन के पीछे सारा देश लामबंद कर दिया गया है, जो बहुत ही बिल्कुल गलत चीज़ है, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। टू पार्टी सिस्टम की तरह ये काम हो गया है कि एक तो बीजेपी के एनडीए के उसमें नेतृत्व में सारे दल एक तरफ हो गए और जो बाकी बचे दल वो कांग्रेस के उस तरफ हो गए। तो मेहनतकश जनता का विकल्प ही दिखाई नहीं दे रहा, बहुजन जनता का विकल्प नहीं है। तो हमने कहा बहुजन विकल्प, तमाम बहुजन एक्टिविस्टों को और संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को जोड़ के एक बहुजन विकल्प देश में देंगे, जिससे कि देश में बहुजन सरकार बने अब की बार, बहुजन प्रधानमंत्री और मेहनतकश सरकार का जो हमारा नारा है वो साकार हो सके। क्योंकि जब तक इस देश में बहुजन जो विक्टिम है, बहुजन से मतलब हमारा SC ST OBC और अल्पसंख्यक और महिलाएं और श्रमिक, ये तमाम जो मेहनतकश समाज है, ये एक हों और अपनी सरकार बनाए, ये हमारी दावेदारी है। इसमें हमने अपनी बात को ये करना। तो साथियों से मैं आपको अशोक की दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस DDA जो आपने बनाया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बाबा साहब ने सपना लिया था और उसके बाद उस सपने को आगे बढ़ाया माननीय काशीराम जी ने, वो जो एक बहुजनों की, एक जो 85% बहुजनों की जो सत्ता चाहते थे, और जो बाबा साहब ने सपना देखा था, बुद्ध का सपना, जो उन्होंने धम्म के शासन की बात की थी बुद्ध ने, और उस बुद्ध धम्म के शासन की ओर बाबा साहब ने कदम बढ़ाए थे और उसके बाद माननीय काशीराम जी ने बढ़ाए थे, तो वो जो मिशन है वो कहीं ना कहीं किसी उसमें थोड़ा सा कहीं उसमें छूट गया है। तो उस मिशन को पूरे देश में जितने बहुजन, मैंने अभी कहा कि जितने बहुजन संगठन हैं, जितने बहुजन अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टियां काम कर रही हैं, उन तमाम उनको एक प्लेटफार्म पे लाना और एक बहुजन, एक गठबंधन बना के, बहुजन गठबंधन बना के बहुजन सत्ता की ओर पहुंचे और बहुजन विकल्प बने और बहुजन सत्ता। अशोक जी, जब नई नई पार्टियां बनती हैं, नए नए संगठन बनते हैं, जो आपके जो एक स्पीच है, आपके जो भाषण है, उसी तरीके सभी लोग ये कहते हैं, जब वो सत्ता में आ जाते हैं वो कहीं भी बहुजन की बात नहीं करते, ना दलित समाज की बात करते हैं। देखने को 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस समय पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक जब दलितों पर अत्याचार होते हैं कोई नहीं बोलते। क्या DDA का भी यही एक कॉलम रहेगा? देखिए, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है, लेकिन उसमें मैं आपको एक बात कहूँगा कि जो राजनीतिक पार्टियों के थ्रू जो 131 लोग आज हमारे वहाँ पर बैठे हैं SC ST के नाम पर, वो हमारे नहीं है। वो उन तमाम राजनीति, वो समझते हैं कि उन राजनीतिक पार्टियों ने उनको टिकट देके उनके ऊपर कुछ एहसान किया है उनको जिता के, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो रिजर्वेशन है बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब की वजह से अगर रिजर्व सीटें नहीं होती तो पार्टियां किसी हालत में उनको बुलाती नहीं। तो अब उनकी जो जिम्मेदारी थी अपने समाज के प्रति, उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। तो हम 131 आज़ाद शेर
जो बाबा साहब ने लोकतंत्र में शक्ति दी है, उस शक्ति का उपयोग करते हुए हम 131 आजाद शेर इस देश को देंगे, इस देश के बहुजनों को देंगे। और 131 अगर एक तरफ खड़े हो गए और 131 खड़े हो गए तो किसी की शक्ति नहीं है। इस डेमोक्रेसी में 131 अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो आपकी सरकार बनेगी, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो 131 आजाद शेर का हमने सपना देखा है, तो इसलिए उसमें चांसेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है बहुत सारे कि भाई अब मानव चरित्र है, स्वभाव है, कुछ इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से ये इसको संगठन को तैयार किया है। क्या अशोक जी आपको ये नहीं लगता है कि जो आज जो भगवाधारी सरकार है और भगवाधारियों का यहाँ बहुत बड़ा एक बजट चल रहा है, क्या आप डीडी हमारा कहाँ तक टिक पाएगा? क्योंकि साम दाम दंड भेद सारे उनके पास में है और डीडीए कैसे टिकेगा उनके सामने? देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि भगवाधारियों की शक्ति जो है वो बहुजन समाज ही है, ये भी समझ लो आप। अनुसूचित जाति जनजाति के ही नौजवान, उन्हीं के लोग, महिलाएं वहाँ जाके मंदिरों में उनको शक्ति, उनको चढ़ावा चढ़ा के, वहाँ पूजा करके, देसी घी चढ़ा के उनको ताकतवर करते हैं। और वो जितने लोग हैं, जिस भी तरीके से हमारे लोग को यूज़ करते हैं, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस ने पिछले एक साल में यही काम किया है कि हमने जो अपने जो हमारा नौजवान है, जो हमारा SC ST का नौजवान है, उन तमाम लोगों को उनको सच्चाई बताइए, बाबा साहब को उन तक पहुँचाया है और वो जागरूक हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमें इनको मारने की जरूरत नहीं है, भगवाधारी खुद खत्म हो जाएगा जब हमारा SC ST का जो नौजवान वहाँ से बाहर आ जाएगा। अशोक अज्ञानी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने अपने घोषणा पत्र में शिक्षित की बात की है, शिक्षा की बात की है, और इस मोदी सरकार ने 125,000 स्कूल अब तक बंद हो चुके हैं इस 4 साल के अंदर। तो क्या DDA का कोई ऐसा प्लान है उन स्कूलों को दोबारा से चालू कराने का शिक्षा के माध्यम से? हाँ बिल्कुल सर, हमने जो ये शिक्षा की बात की है, जो आर्टिकल 21A संविधान का 21A 43 और 44 उसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्यों की जिम्मेदारी है कंपलसरी, निशुल्क कंपलसरी और एक जैसी शिक्षा देना। तो हमने एक शिक्षा बोर्ड का, हमने एक नेशनल शिक्षा बोर्ड का हमने इसमें दिया है फार्मूला कि हम एक नेशनल शिक्षा बोर्ड का गठन करेंगे और जितनी भी शिक्षा है देश की, चाहे अलग अलग राज्यों की सरकारों के तहत हों, चाहे वहाँ के नगर निगमों के तहत हों, चाहे उनके जो NGO चलाते हैं, हम उसका उनको सबको शामिल करेंगे, उसको सेंट्रलाइज करेंगे, शिक्षा को सेंट्रलाइज करेंगे और शिक्षा बोर्ड उसको पूरे देश में चलाएगा। एक जैसी शिक्षा, एक जैसा ढांचा, एक जैसा सिलेबस और एक जैसी सुविधाएं उसमें होंगी और एक बोर्ड होगा। और हम जो बंद कर दिए हैं उनको तो खोलेंगे, साथ में जो इलाकों में सामुदायिक भवन है वहाँ पढ़ाई होगी, एक पूरा अभियान चलाया जाएगा शिक्षा का अभियान, पार्कों में पढ़ाई होगी, इलाकों में पढ़ाई होगी, चौपालों पे पढ़ाई होगी, जो पंचायत भवन है उनमें पढ़ाई होगी, जो बुद्ध मंदिर है उनमें पढ़ाई होगी। तो हम शिक्षा पे बहुत भारी महत्व देंगे और हमने इसमें लिखा है कि हम किस तरह करेंगे। अज्ञानी जी, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दूसरा जो है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप बहुजन समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं और इस देश के अंदर अभी तक 11,000 बहुजन समाज के संगठन है, वो एक मंच पे नहीं आ पाते, एक झंडे के नीचे नहीं आ पाते, तो आप किस तरीके से इस बहुजन समाज को जोड़ेंगे, उसका क्या प्लान है आपके पास? देखिए ये बहुत इसमें एक चीज है कि 11,000 तो समझ लो आपके, चलिए एक मिनट बात कर लेते। तमाम जो पार्टियां होती हैं जब वोट लेनी होती है तो हर तरह के वादे करती हैं सर, उसके बाद वो वादों से मुखर जाती है, जनता कैसे भरोसा करे आप तमाम पार्टियों पर सर? देखिए जो ये दो सवाल हैं इसमें, एक सवाल तो जो आपने इस बात को कहा, मैंने पहले ही कहा कि भाई हम ये आज घोषणा पत्र, जबकि 97 दिन अभी बाकी हैं चुनाव होने में और अभी घोषणा भी नहीं है चुनाव की और चुनाव की तैयारी है, तो हमने इसीलिए चुनाव घोषणा पत्र पहले इसको जारी किया है कि हम केवल वादे नहीं कर रहे हैं। जो मैंने कहा जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो 2 दिन पहले या रात को अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और जनता से संवाद नहीं करते हैं, रैली करेंगे, नेता भाषण दे के चला जाएगा। हम एक नई परंपरा को जन्म दे रहे हैं, हम 3 महीने पहले ये घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, जनता तक दे रहे हैं और हम डिबेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमने इसमें लिखा है कि हम उसको लागू कैसे करेंगे। सवाल ये कि 2 करोड़ रोजगार का तो सपना दिखा दिया कि देंगे, मगर वो 2 करोड़ रोजगार आप कहाँ से दोगे? आप इंडस्ट्री से दोगे, एग्रीकल्चर से दोगे, IT से दोगे, टूरिज्म से दोगे, आप दोगे कहाँ से? उसका उसमें कुछ नहीं बताया है, बस 2 करोड़ जवाब देंगे, रोजगार देंगे। हमारे देश का नौजवान बेरोजगार है विश्वास कर लेता है, तो हम एक नई परंपरा डाल रहे हैं कि जनता में जाके डिबेट करें, उनसे बात करें और उसके बाद बताएं कि हम किस तरीके से इसको लागू करेंगे। ये बात मैं आपसे भी सवाल पूछेंगे, DDA में क्या वाल्मीकि समाज की हिस्सेदारी होगी या सिर्फ उनको यूज किया जाएगा? देखिए सर ये हर सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है। हमने बाबा साहब का इनहेलेशन ऑफ कास्ट जो उन्होंने एक दस्तावेज लिखा था
उसमें उन्होंने पूरा रास्ता दिया है कि बहुजन का मतलब जो अनुसूचित जाति, जो आपने कहा वाल्मीकि समाज अनुसूचित जाति का हिस्सा है, हमने ये कहा कि अनुसूचित जाति दिल्ली में 36 जातियां 36 शेड्यूल्ड हैं, हमने कहा कि भाई 36 की 36 जातियों में से रिप्रेजेंटेटिव हमारे DDA में होंगे, और उसी तरह जनजातियों में भी बहुत सारी जातियां हैं, हर जाति में से एक एक दो दो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। जब तक आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तमाम बहुजन समाज को तो बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारी लीडरशिप यहाँ बैठी है वो तमाम डिफरेंट जातियों के डिफरेंट समुदायों के लोग हैं, हम किसी एक जाति को या एक उसको प्रेफर नहीं दे रहे हैं। जो बहुजन का मतलब बहुजन ही आपको आगे को देखने मिलेगा, जो हमारी टीमें बनेंगी, जो हमारे सम्मेलन होंगे, जो हमारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, उसमें आपको ये पता चलेगा कि सबका बराबर इक्वल वहाँ रिप्रेजेंटेशन होगा, समान रिप्रेजेंटेशन होगा और समान हिस्सेदारी मिलेगी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। सुरेश जी, अगर न्यायिक व्यवस्था की बात की जाए, आपके घोषणा पत्र में ये दिया गया है कि न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो या हाई कोर्ट की बात हो, कुछ लिमिटेड परिवार है उनका ही आधिपत्य है अभी तक इस देश के अंदर आज़ादी से लेकर अब तक। तो क्या DDA का कोई ऐसा प्लान है कि न्यायिक व्यवस्था में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जा सकें? जी देखिए, इसमें मैंने इसमें लिखा है, एक तो पहली बात तो ये कि जो इसमें हमने नियुक्तियों की बात की है, चाहे नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक, हमने इसमें कहा कि जातियों के आधार पे उसमें नियुक्तियां होंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में था लेकिन हुआ नहीं। अब जनरल की सीटें आ रही हैं तो उसमें सारे ही ब्राह्मण भर्ती हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। उसमें जो जनरल की और जातियाँ हैं उसमें से एक एक दो दो निकाल करके एक मिक्स करके देना चाहिए था, जिस तरह अनुसूचित जाति जनजाति और OBC उनके रिजर्वेशन में से भी एक ही जाति को मिलने जा रहा है, उसमें जो देना चाहिए था सब जातियों को इंक्लूड करके, तो एक सामाजिक न्याय का सिद्धांत पे आधारित नियुक्तियां होती, हम उसको लागू करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमने न्यायिक सुधार में हमने ये कहा कि जितने भी कलेक्ट्रेट होंगे वहाँ पर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि हाई कोर्ट बहुत दूर होता है और सुप्रीम कोर्ट खाली दिल्ली में है, तो जो एक न्याय देने के लिए जो एक सब कमजोर तबके हैं उनको दूर दूर आना होता है, बहुत पैसे खर्च करने होते हैं, हमने एक नई चीज़ दी है कि हम आके एक नई चीज़ शुरुआत करेंगे, न्यायिक सुधार करेंगे, उसमें टेम्परेरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पर टेम्परेरी अदालत की व्यवस्थाएं होंगी कि जिनको नीचे न्याय ना मिले उनको वहाँ पर हो, और जिस तरह की ये अपना जो आज मॉडर्नाइज जो ये टेक्निकल है अपना IT का, ये अपना जितना भी अपना फेसबुक और ये सब, उसके माध्यम से हम इंटरनेट के माध्यम से वो जो गवाह हैं और जो हैं उनकी गवाहियों को करवा करके वहाँ आगे पहुँचाएंगे, हमने उसकी व्यवस्था की। DDA अलायंस ने अपने घोषणा पत्र में भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कराने की बात की गई है। अब तक की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, एक बार BP सिंह की सरकार ने उसको कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन वो सरकार नहीं चल पाई, लोगों ने आत्मदाह कर लिए, लोग जो है मर गए कूद गए, इस तरीके से बहुत सारे हादसे हुए इस देश के अंदर। तो क्या DDA अलायंस उसको पूर्ण रूप से लागू करवा पाएगी अभी तक? हाँ बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि देखिए आप जब की बात कर रहे हैं 1989 की 90 की बात कर रहे हैं, उस समय जो बहुजन मूवमेंट था इतने चरम पे तो था लेकिन इतना प्रचार नहीं था, जो आज ये फेसबुक मीडिया और ये तमाम लोग पूरे देश में बहुजन मूवमेंट चल रहा है, तो उस समय जो आत्मदाह करने वालों में जो भीड़ थी वो जो भीड़ थी वो हमारे लोगों की भीड़ थी, और जिस OBC के लिए वो जो मंडल कमीशन लागू हुआ था वही लोग बसें तोड़ रहे थे, वही नौजवान थे, उनको पता ही नहीं था कि हमारे लिए हो रहा है, और उन चंद लोगों ने 15% लोगों ने भड़का करके उनको आगे कर दिया, लेकिन आज वो पोजीशन आने वाली नहीं है। आज हमारे पास फेसबुक से लेके तमाम सोशल मीडिया और हमारा मीडिया इतना सशक्त हो गया है, जो बहुजन मीडिया सशक्त हो गया है, उसकी वजह से हम बहुत आसानी के साथ हम इसको लागू कर पाएंगे। और दूसरा ये कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में जो कैबिनेट था उसमें भी ज़्यादा अपर जातियों के जो मंत्री थे, मगर जो हमारा सपना है या हमारा कॉन्सेप्ट है, हमने कहा बहुजन प्रधानमंत्री और मेहनतकश सरकार, हम ये चाहते हैं कि कैबिनेट भी हमारी हो और प्रधानमंत्री भी हमारा हो और राष्ट्रपति भी हमारा हो, जिससे कि हमें उसको लागू कराने में कोई समस्या ना आए, और संविधान देश का संविधान है, उसको कोई हम अलग से कुछ लेकर के नहीं आ रहे, उसको लागू कराना हमारी जिम्मेदारी है। देश की आज़ादी से लेकर अगर अभी बैकलॉग की बात की जाए नौकरियों की, तो अभी भी हमारे लोगों को, हमारे क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को वो सीटें नहीं मिल पाई हैं जो मिलनी चाहिए थी। क्या DDA का कुछ ऐसा प्लान है कि उन लोगों को पूर्णतः वो नौकरी मिल सके? देखिए बिल्कुल, जो भी जितनी भी, सबसे पहले तो हमने इसमें एक चीज़ और लिखी है कि जो भी इन्होंने निजीकरण करे हैं उन तमाम संस्थाओं को हम पूरा से, इनकी जो नई आर्थिक नीति थी 1991 की, हम उसको बदल के नई
आर्थिक नीति लाएंगे और उसमें जो निजीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल खत्म करेंगे और जो नौकरियां जो सरकारी क्षेत्र में थी नौकरियां उनको दोबारा से उनको बहाल किया जाएगा, रिजर्वेशन लागू होगा। और दूसरी बात है प्राइवेट सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को तब खुलने देंगे कि जब वो वादा करेंगी सरकार से रिटर्न एग्रीमेंट होगा कि जो संविधान में जो भी नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन है वो लागू करेंगे, हम उनको पूरी सुविधा देंगे और वहाँ भी रिजर्वेशन को हम लागू करेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से आप ये डीडीए तैयार है, क्या किसी और राष्ट्रीय पार्टी से भी क्या अलायंस होने जा रहा है? जी नहीं, देखिए अभी हमारा खाली हमने एक जो अलायंस की बात की है, हमने खाली बहन जी को एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी हम उनको भेज रहे हैं, प्रपोजल भेज रहे हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में बीएसपी ताकत के साथ है और दूसरी जगह और खासतौर पर दिल्ली में पिछली बार जो वोट था वो आम आदमी पार्टी को चला गया, बहुत कम वोट बचा है। लेकिन हमने भेंजो कहा दिल्ली के अंदर अगर हम अलायंस हमारा हो सकता है तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस करने को पूरी तरह तैयार हैं। हमने एक उसका एक ढांचा भी तैयार किया है, बहन जी को हमने एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं, हम पूरा प्रपोजल भेज रहे हैं कि हम बीएसपी और डीडी अलायंस अगर दिल्ली में लड़ देता है तो सातों सीटों के ऊपर कोई शक्ति नहीं है कि जो हमें हरा दे। सातों सीटें दिल्ली की डीडी अलायंस और बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती हैं, ये हम अपील कर रहे हैं भाई जी के साथ। दिल्ली डेमोक्रेट अलायंस का जो है राष्ट्रहित में क्या संदेश है इस मीडिया के माध्यम से जो आज आपके सामने खड़ी है? राष्ट्रहित में बिल्कुल ये हमारा संदेश है कि जो इस देश के 90% मेहनतकश जनता, मेहनतकश जो मेहनत करके अपने आप को अपने परिवार को ईमानदारी से चलाते हैं, इस देश को चलाते हैं, ये देश उनके उस पर खड़ा है, वो तमाम मेहनतकश जनता के लिए, उसमें महिलाएं भी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति भी है, अल्पसंख्यक भी हैं और उसमें तमाम वर्किंग क्लास भी है, जो लोग 10% है जो अपने आप को जाति से ऊपर मानते हैं या धन से ऊपर मानते हैं, किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन 90% लोगों के लिए ये अलायंस काम करेगा और इस देश को ताकतवर बनाएगा, उनको ताकतवर बनाएगा, देश को ताकतवर।